प्रदेश में सरकार ने जैसे ही राशन कार्ड्स को लेकर आदेश जारी किए हैं, आम लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर करने खाद्य आपूर्ति विभाग पहुंच रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत भी किया है। लोगों का सीधे तौर पर मानना है कि जो जरूरतमंद लोग हैं सिर्फ उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद में 4 लाख से ऊपर राशन कार्ड धारक हैं। ऐसे में करीब 2000 लोगों ने अपना कार्ड सरेंडर भी कर दिया है। राशन कार्ड सिलेंडर करवाना है बस नीचे सरकार के हाँ जी बिल्कुल। क्या 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 बताया आपको कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना वो चाहिए? जमीन बता रहे ये जब्त कर ली जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी। इससे तो राशन कार्ड मैंने एप्लीकेशन लिख दिया साफ साफ, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड जमा कर रहा हूँ। जो फालतू में होना भी बंद कर देना चाहिए। आपका कहना सारी योजनाएं बंद होनी चाहिए, कायदे की योजना मिलना चाहिए। हाँ सही है, कायदे की योजना मिलनी चाहिए उनको, जो निहायत बिल्कुल गरीब है। और आजकल के जमाने में गरीब कोई नहीं है। शराब के लिए पैसा कहाँ से आता है? मजदूर पर कमाने के लिए पैसा क्यों नहीं आता है? मुझे जवाब दें, मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। हमारे यहाँ पर 4,30,000 के आसपास में टोटल कार्ड हैं, जिसमें से 8,500 अंत्योदय कार्ड भी हैं। इसके साथ साथ में अभी जैसे कि शासन आदेश आया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी अपात्र लोग हैं वो अपना स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्यवाही व शासकीय दरों से, जब से उनका कार्ड बना है सरकारी दरों से उन पर वसूली होगी। जैसे कि गेहूँ की आपकी 24 रुपये किलो के हिसाब से और चावल की 32 रुपये किलो के हिसाब से उनकी वसूली की जाएगी। इसके साथ साथ में अपात्र लोग वो लोग हैं जिनके पास में, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्राइटेरिया हमारा अलग है और शहरी क्षेत्रों का थोड़ा अलग है। सबसे पहली बात यह है कि वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, उनके वो आयकर दाता ना हो, उसका 200 गज का घर ग्रामीण क्षेत्र में ना हो, 100 गज का घर शहरी क्षेत्र में ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर ना हो, उसके पास में आपका AC ना हो, इस तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो सब चीज़ें ना हो।